रीटेक 101, हाउ टू बिल्ड क्रिएटिविटी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रिएटिविटी कैसे बिल्ड की जाती है। आपको पांच ऐसी चीजें करनी है जो मैं बताने वाला हूं और आप एक क्रिएटिव पर्सन बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिएटिव बनना ही क्यों है? यदि दोस्तों आपकी एज 18-24 के बीच में, आपको क्रिएटिव बनना ही बनना है, आपको क्रिएटिव पर्सन बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी एक काम को अलग तरह से करना, डिफरेंट तरीके से करना, कुछ नया ऐड करके करना, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना क्रिएटिविटी हो गया। यदि आपसे आज कोई क्वेश्चन कर दे, आप जब रास्ते पे जा रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, क्या है क्रिएटिविटी का मतलब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए मुझे बताइए, मैं आंसर दे रहा हूँ। दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब है किसी भी एक सेम पैटर्न को ब्रेक करना। ब्रेकिंग द पैटर्न्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आगे आप बने रहेगा वीडियो में, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्रिएटिविटी एक्चुअल में होती क्या है। शुरू करते हैं यहाँ पे आपके साथ ऐसे पांच दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल में आपको ऐड कर देने हैं पॉइंट। ये ऐड आपने पॉइंट कर दिए। क्रिएटिव की दोस्तों कोई बुक पढ़ के क्रिएटिव नहीं बन सकता। क्रिएटिविटी आपको आपके लाइफ में, आपको आपके लाइफ स्टाइल में, आपको आपके डेली रूटीन में ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी बिल्ड करने का। क्रिएटिविटी दोस्तों यहाँ पे आपको आपके लाइफ स्टाइल में और आपके रूटीन में लाना ही लाना है। जब आप कभी भी करियर बनाओगे, आप कभी जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, आपकी क्रिएटिविटी होगी जो आपको यहाँ पे दूसरे कंपटीटर के मुकाबले में बहुत आगे रख देगी। क्रिएटिंग पर्सन दोस्तों हमेशा वैल्यूएबल और डिमांड में रहेगा, क्योंकि एआई कभी भी, टेक्नोलॉजी कभी भी इतनी क्रिएटिव नहीं हो सकती जितना एक पर्सन हो सकती, क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी बनी है एक पैटर्न के लिए, और क्रिएटिविटी का मीनिंग है पैटर्न को ही ब्रेक करना। सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं यहाँ पे। आपको आपके डेली रूटीन पे, जब कभी भी आप घर आप आते हो, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रोड लेने, पाथ लेने, नहीं समझना इजी करता हूँ। कभी भी आप स्कूल से घर जाते हो, कॉलेज से घर जाते हो, कॉलेज से अपने रूम पीजी जाते हो, हम हमेशा 99% एक ही रास्ता लेते हैं। आप बात करके मारते हो एक ही रास्ता है और कोई रास्ता भी नहीं होगा दोस्तों, कोई एक छोटा सा घूम फिर के रास्ता होगा। यानी कि आपको डेली रूटीन पे आप जो कोई भी रास्ता ले रहे हो वह रास्ता नहीं लेना है, कभी कभी कोई एक अलग रास्ता ले लीजिए। यानी कि पहली बार आपने आपके माइंड की एक पैटर्न को ब्रेक किया। जब आप ऐसे रास्ता अलग लोगे, आप रास्ते अलग अलग चूज करके घर पे आओगे या फिर कहीं पर भी जाओगे, नए नए रास्ते पे जाने से दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी माइंड की एक पैटर्न जो बन चुकी है आपके रूटीन में आने जाने के लिए, वे ब्रेक होगी। यहाँ से आपकी दोस्तों क्रिएटिविटी की शुरुआत होगी। ये काम करना ही करना है, देखना दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। सेकंड नंबर पर दोस्तों आता है यहाँ पे सनसेट का टाइम। जब कभी भी होता है ना सनसेट का टाइम, खास करके बात करो, सनसेट के टाइम पे कुछ करना नहीं इतना ज्यादा। सनसेट के टाइम पे आप निकल जाइए आधा घंटे के लिए, आपको यहाँ पे आपकी साइकिल है, आपकी बाइक है, बस वैसे ही चिल करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी यहाँ पे इतना नहीं रखना है, बस ऐसे चिल करना है। सनसेट के टाइम पे घूमना है, हो सके तो आप टेरेस पे चले जाए, बस वैसे ही बैठिए। ये दोस्तों क्रिएटिविटी लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बात करोगे अब ये पॉइंट कैसे क्रिएटिविटी के साथ मैच हो गया। देखिए यदि आपको एक बाउल में से, एक ग्लास का एग्जांपल लेता हूँ, ग्लास में से दोस्तों डर्टी ग्लास एक भरा है, ठीक है, और ग्लास में डर्टी वाटर है। यदि आपको ग्लास में क्लीन वाटर लाना है तो पहले आपको डर्टी वाटर को यहाँ पे ग्लास में से निकालना पड़ेगा। तो यही काम करता है सनसेट का जो ये आधे घंटे का टाइम है। जब आप चिल करते हो, जब आपके माइंड को बिल्कुल शांत रखते हो, तब आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो विदाउट प्रोडक्टिव एनर्जी होती है, चली जाती है, और आप यहाँ पे एक अच्छे थॉट का यहाँ पे इनपुट लगा सकते हो आपके माइंड में बाकी के टाइम पे। तो ये करना है सनसेट के टाइम पे, कोई यहाँ पे काम नहीं करना है, बस चिल करना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपको डेली एक फ्रूट और एक वेजिटेबल खाना है, या फ्रूट खाना है, वेजिटेबल खाना है, लेकिन कैसे खाना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप डेली एक फ्रूट या वेजिटेबल खाओगे, आपको और कुछ नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है आपको, ना ही तो टीवी देखना है, नहीं तो किसी के साथ बात करना है। जैसे कि आप एप्पल खा रहे हो, एप्पल खाते टाइम आपको सब कुछ धीरे धीरे से देखना है कि एप्पल के अंदर क्या है। जब आप एप्पल का आप जब चबा रहे हो, चबाने के टाइम पे भी आपको यहाँ पे दोस्तों सब कुछ मैं करता हूँ इसलिए बताता हूँ। एप्पल चबाने के टाइम पे आपको यहाँ पे टेस्ट देखना है, कैसे चबा रहे हो, क्या प्रोसेस हो रही है, क्या क्या टेस्ट आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट मिल रहे हैं, आपका पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए। अब इसके दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन है। पहले आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो, आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है लोगों का, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों, फ्रूट या वेजिटेबल खाने से आपके ब्लड में, आपके माफ कर देना यहाँ पे कट टेक लगा देना, मैं ही कट टेक लगा देता हूँ, आपके दोस्तों ब्लड में नहीं, आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्रेन में जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो अब यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी तरह से सोच पाते हो, आप यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी कर पाते हो। तो ये थर्ड रीज़न है, ये थर्ड एक स्टेप है जो आपको लेना है, आपको आपके रेगुलर लाइफ में ऐड करना है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई एक ऐसा आइडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है मिस हो जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मैं देख लेता हूँ, रिसर्च किया हुआ हमारा पूरा मेथड होता है। अब आ रहा है दोस्तों, जब आप रीडिंग करते हो, यदि आप विदाउट म्यूजिक रीडिंग करते हो, आप ट्राई कीजिए एक बार म्यूजिक के साथ रीडिंग कीजिए। लेकिन कौन सा म्यूजिक, यूट्यूब पे दोस्तों एक चैनल है लोफी गर्ल करके, लोफी गर्ल स्टडी आ जाएगा, म्यूजिक अच्छा आपको यूज़ करना है।
अब देखना है आपको एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। और यदि आप म्यूजिक के साथ रीडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे म्यूजिक के बिना रीडिंग करना है, यानी कि अल्टरनेटिव करना है। यदि रीडिंग करते हो कभी भी विदाउट म्यूजिक करते हो तो लोफिकल वाला म्यूजिक लगा के कीजिए, आपको पता चलेगा। और यदि आप म्यूजिक के साथ करते हो तो म्यूजिक बंद कर दीजिए। पैटर्न ब्रेक करना ही दोस्तों क्रिएटिविटी है। लास्ट नंबर पे आता है दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट है, डेली शाम को सोने से पहले 5 या 10 मिनट आपको स्पिरिचुअल वीडियो या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना है। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पॉइंट हो जाता है, 5 या 10 मिनट हो सके तो देखना। अदरवाइज आपको यहाँ पे यूनिवर्स के वीडियोस देखने हैं 5 या 10 मिनट सोने से पहले। यूनिवर्स के वीडियो है पूरा, यहाँ पे कैसे यूनिवर्स काम करता है ये वो, सिर्फ यूनिवर्स के बहुत सारे टाइम लैप्स वाले भी वीडियो होते हैं, ये सब कुछ आप देखोगे ना दोस्तों, तब आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। 1 या 2 महीने में दोस्तों आपके अंदर, आपके बिहेवियर में, आपके करियर के जो भी आप एक्शन लेते हो वहाँ पे बहुत चेंज मिल जाएगा। 5 एक्टिविटी दोस्तों, कंक्लूजन पे आता हूँ यहाँ पे। पहला है आपको यहाँ पे आपका पैटर्न ब्रेक करना है, आपको घर आने के रूटीन का डिफरेंट टाइप के रास्ते चूज करने हैं। सेकंड है यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई एक फ्रूट वेजिटेबल खाना है, पूरे फोकस के साथ खाना है, डेली खाना ही खाना है। थर्ड है सनसेट के टाइम पे पूरा चिल, कोई थॉट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर की नेगेटिविटी की जो एनर्जी है सनसेट के टाइम पे चली जाएगी। फोर्थ नंबर पे विदाउट म्यूजिक यदि आप रीडिंग कर रहे हो तो म्यूजिक के साथ कीजिए, म्यूजिक के साथ रीडिंग कर रहे हो तो विदाउट म्यूजिक रीडिंग कीजिए। फाइव है दोस्तों सोने से पहले 5 या 10 मिनट यूनिवर्स के वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वीडियो देखिए, लाइफ का एक अलग ही नजरिया मिल जाएगा। यहाँ तक मैंने वीडियो के साथ आपके साथ बहुत खासा नॉलेज शेयर कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया साथ में, नॉलेज के टर्म में बात करो। वीडियोस दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ हो जाना चाहिए दोस्तों, क्या शेयर कीजिए, 10K तक पहुंच जाएगा आने वाले 1 महीने तक, ये मेरा वादा है। धन्यवाद अगेन फ्रॉम सावन सोजित्रा।